सो हे गाइस, दिस इज सुशांत, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर बैन होने की जो न्यूज़ आ रही है वो असली है या कोई फेक न्यूज़ है, किन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो सकते हैं और सब कुछ। सो वीडियो पे अंत तक जरूर देखना, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। सो विदाउट वेस्टिंग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो न्यूज़ है वो 100% रियल न्यूज़ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को एक रूल निकाला था और व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे अकाउंट्स ऐप्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों को पहले ही बता दिया था कि वो सारा सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करा सके, जिससे कि जितने भी इंडियन लोगों की प्राइवेसी है वो प्रोटेक्टेड रहे, जितने भी फेक न्यूज़, फेक अकाउंट जितने फैल रहे हैं उन सब कहाँ से जनरेट होते हैं उन सबका कोई भी आइडिया नहीं था, और ऐसे में लोगों की प्राइवेसी पर बहुत बात बढ़ रही थी। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइम दिया था, जिसकी डेडलाइन 25 मई तक थी, और 25 मई तक सबको अपना ये एक्सेप्ट करना था। बट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आज 26 मई है तो अभी तक तो ये बैन नहीं हुआ। फ्यूचर में इन केस हो सकता है ये बैन हो जाए, तो मैं आप लोगों को पहले न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं न्यूज़, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, इफ एनी ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेल्स टू एक्सेप्ट दिस गाइडलाइन, देयर इज यूजिंग स्टेटस एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड प्रोटेक्शन एज इंटरमीडिएट, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट देम एज पर द लॉ ऑफ द लैंड नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड। सो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले, बट ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि करोड़ों लोग हैं जो इन सब ऐप को यूज़ करता है, बहुत लोग का घर भी इन्हीं ऐप की वजह से चलता है। सो मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी होगा, और ऐसे में बहुत से ऐप्स ने गवर्नमेंट से एक्सटेंशन मांगा है कुछ महीनों का कि वो इसे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने फेक अकाउंट्स हैं और उन लोगों को आइडेंटिफाई करना इतना ईजी नहीं है। सो अभी तो ऐसे में बहुत सारे अपने एक्सटेंशन मांगा है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है इसके बारे में। और सुबह एक और न्यूज़ आ रही थी, वो भी मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। उसमें बताया गया था कि टुडे इज मई 26 एंड ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ऑल सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर स्टिल वर्किंग जस्ट फाइन इन द कंट्री, सो यू नीड नॉट टू वरी एंड वॉट एवर विल हैपन विल लेट यू नो। तो इसमें बताया गया कि आज 26 में, आप लोग को भी पता है, आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो आज 26 में है और अभी तक तो बैन नहीं हुआ है। फ्यूचर में इन केस बैन होता है तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इन केस ये ऐप बैन होता है तो आपको कैसा लगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।